मुसलमानों पर अगर कोई हमला होता है तो अल्पसंख्यकों पर हमला होता है या कोई सांप्रदायिक दंगा होता है तो उसका जिम्मेदार हिंदू ही होगा, यानी कि बहुसंख्यक। अब कांग्रेस की सोच ऐसी क्यों थी? बहुसंख्यक आबादी की महिला इस बिल के मुताबिक सखों की परिभाषा में नहीं आएगी। जो भी देश में हुआ है वो सही तरीके से लोगों के सामने रखा क्यों नहीं गया? सवाल ये है, इस पर आखिर बात क्यों नहीं होती है? भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। और आज भारत एट नाइन में हम एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानना हर भारतीय का हक है। इस मुद्दे पर बात तो हुई कई सालों पहले, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे के बारे में जानते होंगे। जो आज हक की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, जो आज राम को भी स्वीकार कर रहे हैं, जो मंदिरों और मस्जिदों के चक्कर लगाते हैं, मौके के हिसाब से कभी सर पर टोपी लगा लेते हैं तो कभी गले में जनेऊ बांध लेते हैं, ये दर्शाता है कि ये राजनीति अवसरवाद की राजनीति है। ये अवसरवाद की राजनीति आखिर क्यों है? मैं उन पत्रकारों से पूछना चाहती हूं जिन पत्रकारों की पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह हम लगाते आए हैं। वैसे ये पत्रकार बहुत सारे मामले खोद खोद कर लेकर आते हैं। कई बार इन्होंने कहा है कि आरएसएस कैसे बनी, इसकी विचारधारा क्या है, उसका चरित्र क्या है, संघ की क्या परिभाषा है, संघ का विचार क्या है, संघ की सोच क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत नई चीज जो 2011 में ही सामने आई थी, किस प्रकार का बिल पेश किया गया था और इस बिल में क्या लिखा था, उसका जिक्र इनके वीडियोस में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैं उस बिल के बारे में जिक्र करूंगी जो पास नहीं हुआ। पर मानसिकता देखिए कि इस बिल का संसद में विरोध हुआ क्योंकि संसद में से भेजा गया था। तत्कालीन सरकार ने महिला आरक्षण बिल भी पेश किया, भेजा था पर पास नहीं करा पाई। इसी तरह इन्होंने एक और बिल भेजा जो उस समय की यूपीए सरकार की मानसिकता को दिखाता है, जहां हिंदुओं के प्रति आपके मन में इतनी नफरत भरी है, हिंदुस्तान में रहकर आप हिंदुओं से इतनी नफरत करते हो, जो आपके इस बिल में साफ साफ दिखता है। आज इस बिल के बारे में आपको बताएंगे कि इस बिल में आखिर क्या क्या था। सबसे पहले बिल क्या था, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा देते हैं, फिर विस्तार से आगे से बताएंगे। बिल में बहुसंख्यकों को दंगा फैलाने का जिम्मेदार माना गया। सांप्रदायिक दंगा निवारण बिल में समूहों का बंटवारा बहुसंख्यक आबादी और अल्पसंख्यक आबादी के आधार पर किया गया था। बिल में धार्मिक, जातीय और भाषाई आधार पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी की पहचान की गई थी। बिल के प्रावधान के मुताबिक अगर किसी इलाके में कोई दंगा होता है तो इसके लिए उस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इस बिल के बारे में मोटे मोटे तौर पर तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इस बिल की गहराई तक जाना और इस मानसिकता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुसलमानों पर अगर कोई हमला होता है तो अल्पसंख्यकों पर हमला होता है या कोई सांप्रदायिक दंगा होता है तो उसका जिम्मेदार हिंदू ही होगा, यानी कि बहुसंख्यक। दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बाद का विषय, इस पर बाद में विचार कर लिया जाएगा। लेकिन बहुसंख्यक ही जेल जाएंगे और इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी बिना किसी सुनवाई के। तो जब इतनी बड़ी मानसिकता और आपसी द्वेष आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप हिंदुओं के लिए या हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हो? आप तो हिंदुओं को जेल भेजने की बात करते थे, आप तो हिंदुओं पर बिना सुनवाई के मुकदमा दर्ज करने की बात करते थे। आपने हिंदुओं को कहा
एक तरफ रखा यह आपकी मानसिकता को दर्शाता है। एक समय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वो शिक्षा से अंग्रेज, विचारों से अंतरराष्ट्रवादी, संस्कृति से मुस्लिम और जन्म से ही हिंदू थे। हालांकि इस वाक्य को लेकर यह कहा गया था, द एंग्री एरिस्टोक्रेट, जो एक स्टडी ऑफ नेहरू नामक संकलन का एक हिस्सा है, जिसे 1959 में हिंदू महासभा के नेता एनबी खरे ने लिखा था। आरोप लगे कि नेहरू पर जानबूझकर इस तरफ के आरोप लगाए गए हैं ताकि नेहरू की छवि खराब हो। खैर, विषय नेहरू नहीं है। नेहरू ने क्या किया था, नेहरू ने क्यों किया था, नेहरू को लेकर क्या गलत किया गया, क्या सही लिखा गया, विषय ये नहीं है। अब देखिए, अगर इस बात को सच माना जाए, अगर इस बात को सच मान लिया जाए, तो हिंदू विरोधी मानसिकता इनकी कहीं ना कहीं थी ही। और 2011 में ये मानसिकता बिल के रूप में आई, जिसे 2013 के आखिर में, यानी कि 2014 की शुरुआत में बीजेपी के कड़े विरोध के बाद वापस ले लिया गया। पर आपकी सोच तो हिंदू मुसलमान वाली ही थी। अब कांग्रेस की सोच ऐसी क्यों थी, इस पर भी प्रकाश डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं फिर कह रही हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बात कांग्रेस की सोच की हो रही थी कि आखिर कांग्रेस की सोच ऐसी क्यों थी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। क्योंकि सोनिया गांधी रोमन कैथोलिक धर्म से आती हैं, मतलब वो क्रिश्चियन हैं। इसके साथ ही इनके पति के पिता, यानी कि उनके ससुर फिरोज गांधी, पारसी समुदाय से आते थे। और जिस तरह से आपके परिवार में, यानी कि कांग्रेस, या ये कहें कि गांधी परिवार में धर्म को लेकर विभिन्नता रही है, धर्म को लेकर तरह तरह के विचार देखे गए हैं, तो आपका कभी एक धर्म पर विश्वास बन ही नहीं पाया। जिस तरह से आपने देश को बांटने के लिए इस तरह के बिल लाने की कोशिश की, ये आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप देश को भी अपने परिवार की तरह अलग अलग धर्मों में बांटना चाहते थे। देखिए, नए नागरिकता कानून CNRC, अब आप सोचेंगे कि मैं इसे कहां से कहां कनेक्ट कर रही हूं, तो आगे आप सुनते जाइएगा, आप खुद से कनेक्ट कर लेंगे पूरी बात को। CNRC को संविधान का उल्लंघन माना जा रहा था उस समय जब इसे लेकर आए थे, 2019 के आखिर में बहुत बवाल हुआ। 2019 के आखिर में और 2020 के शुरुआत में दिल्ली में कई जगह दंगे हुए, हिंदुओं में से भी कई लोग मारे गए, मुसलमानों से भी कई लोग मारे गए। लेकिन उस दौरान विपक्ष की आवाज उठी। विपक्ष का आरोप था कि इस कानून के जरिए धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। लेकिन कभी आपने भी ऐसा ही किया था? इस तरह के आरोप यूपीए सरकार में आए एक बिल पर भी लगे थे, जिसका जिक्र शुरुआत से लेकर अब तक आप सुनते आ रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार में एक बिल को लेकर इसी तरह का विरोध हुआ था। दरअसल यूपीए सरकार के इस बिल पर जबरदस्त विरोध 2011 में हुआ, जब यूपी सरकार के दौरान सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम बिल, इंग्लिश में अगर आप समझे तो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल 2011 पेश किया गया था। इस बिल को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, यानी कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने तैयार किया था। इस परिषद की अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी कर रही थी। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए लाए इस बिल का बीजेपी ने जबरदस्त विरोध किया था। बीजेपी का आरोप था कि इस बिल के जरिए सरकार धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इस बिल को सोनिया गांधी का काला कानून भी बोलती आ रही थी। बीजेपी का यह भी आरोप था कि सांप्रदायिक दंगा निवारण बिल 2011 देश की हिंदू आबादी के खिलाफ है। इस बिल को जानबूझकर मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति से तैयार किया गया है।
इस बिल के प्रावधान ऐसे थे जो साफ तौर पर धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा करने वाले थे। अल्पसंख्यक आबादी की दंगों में भूमिका मुकदमा लिखाने के बाद खत्म मान ली जाएगी। अगर बहुसंख्यक आबादी के किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को निर्दोष साबित करे। इस बिल के मुताबिक अगर हिंदू बाहुल्य इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो ऐसे में हिंदुओं पर ही जिम्मेदारी होगी कि वो खुद को निर्दोष साबित करें। इसी तरह एक और उदाहरण है, सुनिएगा। अगर कश्मीर के किसी हिस्से में जहां हिंदू अल्पसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वहां मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो खुद को दंगों के आरोपों से मुक्त करें। बिल में अल्पसंख्यक आबादी को बहुत ज्यादा राहत दी गई थी। बिल के प्रावधानों को देखने पर ऐसा लगता था मानो ये मान लिया गया हो कि दंगा सिर्फ बहुसंख्यक आबादी ही फैलाती है, यानी कि हिंदू फैलाता है, सनातन धर्म को मानने वाला फैलाता है। बीजेपी ने आरोप भी लगाए थे कि सरकार के इस बिल से ऐसा लगता है दंगे सिर्फ हिंदू ही फैलाते हैं। बीजेपी ने इस बिल को हिंदू विरोधी, धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी यूपीए सरकार के इस बिल का विरोध किया था। उस वक्त अरुण जेटली साहब ने एक कॉलम में इस बिल के बारे में लिखा था कि विधेयक का मसौदा इस धारणा को जन्म देता है कि सांप्रदायिक गड़बड़ी सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों की ओर से की जाती है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ऐसा कभी नहीं करते। कोटे बताया जाता है कि इस बिल को 2002 के गुजरात दंगों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अब 2004 के लोकसभा चुनाव में इस बिल का वादा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र तक में कर दिया था। जानकारों का कहना है कि सिर्फ 2002 के दंगों को ध्यान में रखकर ऐसा बिल बनाना कांग्रेस की बेवकूफी थी। अगर हर दंगे के लिए बहुसंख्यक आबादी को ही जिम्मेदार मान लिया जाए तो क्या 1992 और 1993 के मुंबई दंगों के लिए हिंदू आबादी ने साजिश रची थी? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस बिल को भारत के संघीय ढांचे पर चोट करने वाला बताया गया था। कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकारों का होता है, जबकि बिल में इस मसले पर केंद्र सरकार को भी अधिकार दिए गए थे। इस बिल में हिंसा ज्यादा फैलाने पर केंद्र को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया था। इस बिल की एक धारा पर काफी विवाद हुआ था और आप इस धारा को ध्यान से सुनिएगा, जो कांग्रेस से कहती है कि महिला आरक्षण बिल हम लेकर आ रहे थे लेकिन हम किसी कारणवश लेकर नहीं आ पाए। वो सोचिए कि उनकी मानसिकता क्या थी इस बिल के बाद महिलाओं के प्रति। सांप्रदायिक दंगा निवारण बिल 2011 की धारा 7 के मुताबिक दंगों की स्थिति में बहुसंख्यक आबादी की महिला के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, तो इस बिल के मुताबिक वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बहुसंख्यक आबादी की महिला इस बिल के मुताबिक समूह की परिभाषा में नहीं आएगी। आईपीसी के तहत मामला रेप का होगा लेकिन इस कानून के मुताबिक नहीं। आप देखिए, दो धारणाएं हैं। एक तरफ आप ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आईपीसी के तहत तो मामला रेप का हो जाएगा लेकिन अगर ये कानून यानी कि बिल पास हो जाता है तो इस कानून में वो रेप का मामला नहीं होगा। इसी तरह से इस बिल के मुताबिक अगर मुसलमानों और अनुसूचित जाति जनजातियों के बीच दंगे की स्थिति बनती है और SC ST उस इलाके में बहुसंख्यक आबादी में आते हों तो बिल मुसलमानों का साथ देगा। अब ऐसे में SC ST Act निष्प्रभावी हो जाएगा। UPA 1 के दौरान 2005 में पहली बार इस बिल का मसौदा पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था लेकिन इसकी काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद 2011 में इसे फिर से लाया गया लेकिन 2014 में इस बिल पर संसद में जबरदस्त बहस हुई। बीजेपी के जबरदस्त विरोध के बाद UPA ने इस बिल को वापस ले लिया था। अब आप इस बिल के बारे में पूरा समझ गए होंगे किस बिल में क्या था, क्यों था, किसके खिलाफ था, किसके पक्ष में था। यहां बात हिंदू मुसलमान करने की नहीं है,
यहाँ बात है कि जो भी देश में हुआ है वो सही तरीके से लोगों के सामने रखा क्यों नहीं गया। सवाल ये है, इस पर आखिर बात क्यों नहीं होती है कि आप किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे थे। अगर ये बिल आप ले आते तो इस वक्त देश में बहुसंख्यकों का क्या हाल होता। अब आप बताएं, अगर ये किसी मुसलमान के लिए हो और कहा जाए कि बहुसंख्यकों के लिए पहले और बाद में अल्पसंख्यकों के लिए किसी तरह का लाभ मिलेगा, तब क्या आप शांति से बैठेंगे? तो देश में किस तरह का विरोधाभास होगा आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। किस तरह का माहौल होगा ये भी आप जानते हैं। अगर आज देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कई दल, कई संत, कई विशेषज्ञ इसकी तरफ बात कर रहे हैं, तो देखा जाए तो बीजेपी का एजेंडा नहीं है, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जिस तरह ये आज मार्गों के और शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जबरन ये बदले गए थे और आज जो वक्त बदला है इसीलिए ये वापस बदला जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका नाम बदल दिया जाए किसी के द्वारा, तो क्या आपका वक्त आएगा तो आप अपना नाम वापस से नहीं बदलना चाहेंगे? कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इसमें गलत क्या है सोचिएगा और सोचकर कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये बिल पास हो जाता तो सोचिए किस प्रकार का कानून होता और हिंदुओं के लिए क्या होता। ये बिल पास हो जाता तो शायद वापस मुगल काल लौट आता, वापस मुगलों का शिकार हिंदू होते, औरंगजेब जैसे मुगल शासक का शिकार तब देश में हिंदू आ करते थे। इस बिल के बाद ऐसा ही हाल हिंदुओं का होता। कश्मीरी पंडितों का दर्द, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द किसे छिपा नहीं है। आज इतने सालों बाद कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र होता है, बात होती है, तब तो कुछ हिंदू खदेड़े गए थे, मारे गए थे, महिलाओं से रेप किया गया था, दर्दनाक मौत दी गई थी। अगर ये बिल पास हो जाता तो शायद पूरे देश में हालात कुछ कश्मीर जैसे ही होते। सोचिएगा। हर एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़े चली जा रही हूँ भारत एट नाइन के इस खास एपिसोड में। तो कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।